इन प्रकार वेद व्यास जी महाराज शंकर भगवान ने वंदना करी और कहो महाराज आज आप रो आगमन मारे कुटिया माते प्रभु आगमन रो काई कारण है। शंकर भगवान कहो अरे व्यास जी थाने आश्रम में मारो एक चोर बढ़ गयो, मैं तो इन चोर ने लेबन वास्त आयो। वेद व्यास जी क्यों बाप जी मारे आश्रम में बड़ा आप रो चोर। अरे बाप जी आप रो चोर काई चोरी करी है, आप रे बैठे काई चीज चुराई है, क्योंकि शंकर भगवान में बैठे तो चुराने वास्ते है ही कहीं, बैठे तो उल्टो सिस्टम है, दरवाजा है तो दीवार नहीं, दीवार है तो दरवाजा ही नहीं है। न शिव जी को होना चाहती तो पैर है कोनी, शिव जी पैर हाँ अपन बिच्छू है न उन्हें कोई हाथ लगावे कोनी, है चोर आई जावे तो उन्हें बड़े गोतो पड़े। तो कहो बाप जी आप रे बैठे तो चुराने वास्ते कोई चीज ही नहीं है, तो चोर कहीं चोरी करी आप रे। शंकर भगवान की अरे वो चोर मारी अमर कथा चुराई ली। अमर कथा, अमर कथा कहीं वे इन अमर कथा कहीं वे, बोले अमर कथा हुणे जन अमर हो जाया करे है ना, वो चोर मा कथा हुण ली है ना, मैं उन्हें छोड़ ला को नहीं मारिया रे। जन वेद व्यास जी की अरे बाप जी आपने पूरी दुनिया भोले 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 कहवे, पर आप तो वास्तव में भोला ही हो। अरे बाप जी वो चोर जब अमर कथा सुन ली है और अमर कथा सुनने से अमर वे, और वो चोर कथा सुन ली है तो बोचो बाप जी वो चोर भी तो अमर हो गयो है, हमें था उन्हें मारो तो मारो की कर इत तो होचो। शंकर भगवान कह रहे हाँ वो तो मैं होचियो ही कोली, हमें होचो की नहीं। जने शंकर भगवान कह रहे हमें वो मरे तो है कौन, चलो लारो छोड़ो। और शंकर भगवान आ गया पाछा कैलाश पर्वत माते, लेकिन वो जो सुख पक्षी हो वो कोई और नहीं ए सुखदेव जी महाराज जी। हाँ 12 साल तक सुखदेव जी महाराज मातृ गर्भ में रहा, और एक दिन वेद व्यास जी कहो कि पुत्र सुखदेव अब तुम बाहर आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी कहो नहीं मैं आपकी बात मान नहीं आ सकूं, क्योंकि यदि मैं बाहर आ गयो तो आप मने माया रे अंदर फंसा दो। वेद व्यास जी कहो नहीं बेटा मैं तो नहीं फंसावा। सुखदेव जी कहो मैं आपकी मात मत भरोसो की कर सकूं, क्योंकि आप तो खुद ही माया में फंसी उड़ा हो, तो मुझे मने माया रे अंदर फंसने से रोकी कर सको। हाँ जरूर आप कहो तो नहीं आऊंगा, लेकिन भगवान नाम कहवे तो मैं भगवान की बात जरूर मान सकूं। तो भगवान स्वयं पधारिया और सुखदेव जी ने कहो कि बाहर आओ, तो भगवान री बात मानन सुखदेव जी बारे आया और जन्म लेता ही सीधा वनरी तरफ चले गया, और एक मिनट भी घरे नहीं रुकिया। और लारे लारे वेद व्यास जी महाराज आवाज देता हुआ जा रहा है कि पुत्र सुखदेव एक मिनट तो घर में रुक जाओ, लेकिन लारे मुड़ प्राण भी नहीं देखियो, जा रहा है आगे आगे जा रहा है। तो बीच रास्ता में एक सरोवर आयो, और उन सरोवर में कुछ कन्याएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज बैठे चले गया। अरे वेद व्यास जी महाराज ने जो भी आवाज सुनी तो मैं तुरंत आबा अपना वस्त्र पहन लिया। वेद व्यास जी कहो ब्याने कि मारो पुत्र सुखदेव अठे सो निकल गयो तो आपने शर्म नहीं आई और मारी आवाज सुन प्राण आप कपड़ा पहन लिया, इनो कई कारण है। जने बे कन्याएं कहो कि व्यास जी आप रो जो पुत्र सुखदेव है नी उनने तो दुनिया के बारे में कुछ ठाई नहीं है, वो तो इतो ही नहीं जाने कि स्त्री काई मैंने पुरुष काई वे, एंड जो आदमी तो ही नहीं जाने तो उन सामने आप चाहे 1000 कपड़ा पहनो तो कहीं फर्क पड़े, और बिल्कुल ही नहीं पहनो तो कहीं फर्क पड़े। लेकिन महाराज आप तो संसार में रहवणिया हो, संसार सब गतिविधि आपने ठा है, इन वास्ते आप री आवाज सुन में आप वस्त्र पहन लिया, बाकी बस ओज कारण है। जने वेद व्यास जीवन में सोचियो लो मारो पुत्र सुखदेव इतो महान है कि उन्हें दुनिया के बारे में कुछ ठा ही नहीं है, वो जाने तो केवल भगवान की बात ही जाने कि एक जीव है और एक शिव है, जीव किन प्रकार शिव से मिल सके बस इतो ही जाने है। तो इतना महान सुखदेव रे लारे यदि हमें मैं पाछो जाऊंगा
तो वो बारी मारी बात कदई नहीं मानेला पाछो नहीं आवेला। इन वास्ते वेद व्यास जी महाराज बठो जो सुखदेव जी ने प्रणाम कर लियो, हाथ जोड़ लिया और अठे सूत जी महाराज भी सुखदेव जी ने प्रणाम कर लिया, स्तुति कर ली वाणी। यम प्रवृजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम् द्वहिपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रैति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतविदयं मुनिवानतोऽस्मि। इन प्रकार सुखदेव जी महाराज ने वंदना करी और बाद में ऋषियों ने प्रश्न और जवाब दियो और कहो कि ऋषियों आप जिन प्रकार मासू छह प्रश्न पूछिया उमो पहलो प्रश्न आप रहो कि मनुष्य रो परम धर्म कहीं है, मनुष्य रे कल्याण रो सरल और सर्वोत्तम साधन कहीं है। तो ऋषियों मनुष्य रो परम धर्म एक ही है और वो है सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहितुक्य प्रतिहतां ययात्मा संप्रसीदति। कहो मनुष्य रो परम धर्म एक ही है और वो है भगवान चरणों में भक्ति, भगवान चरणों में प्रीति। देखो सज्जनों भक्ति भी दो प्रकार की होया करे, एक होया करे सकाम भक्ति और एक वे निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति माने भगवान से कुछ मांगियो जावे, भगवान से मांगने जो भक्ति उन्हों क्या करे सकाम भक्ति, और दूसरी वे निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति रो मतलब भगवान से कुछ भी नहीं मांगनो, बा होया करे निष्काम भक्ति। लेकिन लोग निष्काम भक्ति नहीं, लोग तो सकाम भक्ति करे। आदमी आदमी मांगे भी नहीं रह सके वो भगवान का ही चूकी। आदमी भगवान के मंदिर में जावे, भगवान ने हाथ जोड़े पर हाथ 10 मिनट भी जुड़ीड़ा नहीं रहे और धीरे हाथ रो कटोरो बनाए ले और कहे भगवान एक मकान दे दे, भगवान कार दे दे, भगवान फैक्ट्री दे दे, भगवान ओ दे दे, भगवान वो दे दे। भगवान कह रहे हैं सब चीजें तो दे दे पर पहला तू मारो मुंड तो देख ले। तो मंदिर में आयो किन वास्ते, दर्शन करने वास्ते आयो, तो कम से कम पहला दर्शन ही कर ले, पहला वो काम तो कर ले, पचे ए चीजें तो बाद में देते रहे वहां। पर आदमी भगवान का दर्शन करे नहीं करे और ही दो मांगना चालू कर दे, पर भगवान से आप मांगो मत, भगवान के सामने मत मांगो, निष्काम भक्ति करो। और देखो भगवान के सामने आप यदि सकाम भक्ति करो ला कुछ मांगो ला तो भगवान आपने उत्तर देवेला जितना आप मांगियो हो। यदि आप भगवान से मोटर कार मांगियो, फैक्ट्री मांगियो, बंगला मांगिया हो तो भगवान आपने उत्तर देवेला जितना आप मांगिया हो, जैसे बंगला देवेला, फैक्ट्री देवेला, मोटर कार देवेला, जब तो नहीं देवेला। लेकिन यदि आप भगवान रे सामने कुछ भी नहीं मांगोला, शरणागत हो जाओला, निष्काम भक्ति करोला और कहोला प्रभु मैं तो आप रो बच्चो हूँ, आप रे सामने बस मन तो कुछ नहीं मांगनो है, मैं तो आप रे शरण आयोड़ो हूँ, मैं तो शरणागत हूँ, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगनो है। और इन प्रकार भगवान से कुछ भी नहीं मांगोला, निष्काम भक्ति और शरणागत हो जाओला तो भगवान आपने बा संपत्ति दे दे वेला जो आप रे जिंदगी भर कभी खत्म नहीं वेला। इन वास्ते निष्काम भक्ति करो। एक बार कहीं हुए कोई कलयुग चतुर चालाक भगत, डेड होशियार भगत, वो रास्ता में जा रही हो के बीच रास्ता में नारद जी महाराज मिल गया और नारद जी ने कहा ए बाबा रुक। नारद जी को कहीं बोले 3 देव है नी, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले हाँ 3 देव है। तो बोले अन तीनों देवों में सबसे जल्दी राजी की हो वे। नारद जी महाराज कहो भाई तीनों देवों में सबसे जल्दी राजी तो भाई ब्रह्मा जी वे, क्योंकि ब्रह्मा जी इतना मंदिर भी नहीं है। अपन राजस्थान में 2 प्रसिद्ध मंदिर है, एक तो पुष्कर में ब्रह्मा जी रो मंदिर और एक ब्रह्मधाम आसोत्र में ब्रह्मा जी रो मंदिर।
तो कहो भाई ये मंदिर है, ज्यादा मंदिर तो है नहीं। और इन वास्ते ब्रह्मा जी महाराज जल्दी प्रसन्न हो जाया करे। वो भगत क्यों ठीक, वो भगत क्यों पर पुष्कर में, और पुष्कर में जा प्राण एक पक्षों खड़ो हो गयो, दोनों हाथ ऊपर कर लिया और ब्रह्मणे नमा ब्रह्मणे नमा ब्रह्मणे नमा खूब तपस्या करी। 3 महीना तक भजन करियो और 3रे महीने ब्रह्मा जी महाराज उन्हें भक्ति देख देख प्राण प्रकट हो गया और कहो अरे भगत मांग 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 वरदान मांग, काई चाहिए बोल, काई चाहिए हने। भगत कहो अरे बस ब्रह्मा जी आपका दर्शन हो गया, मैं मांगने को इच्छा ही नहीं है। बोले नहीं मांगनो तो पाड़ी, क्योंकि तू मारो 3 महीना तक भजन करियो है नी, इन वास्ते 3 महीने रे बदले तो 3 वरदान मांग ले, 1 महीने रे बदले 1 वरदान तो 3 महीने रे बदले 3 वरदान चल मांग। अबे वो कलयुग रो चतुर चलाक भगत, डेढ़ होशियार भगत, उन्हें 3-3 वरदान मांगने छूट मिल गया, हमें वो कोई लड़ रही, वो क्यों मांगू ब्रह्मा जी क्यों मांग। जित वो क्यों ब्रह्मा जी आप मने पहलो वरदान दे दो कि मारो मकान बन जावे, दूजो बोले दूजो वरदान दे दो कि मारो ब्याह हो जावे, और तीजो तो बोले तीजो वरदान दे दो कि जद चाहूं जद 3 वरदान और मांग लूं। ओ तीजो एड़े डंगू मांग गया कि ब्रह्मा जी ने मना भी नहीं कर सके। ब्रह्मा जी महाराज तथास्तु के प्राण चले गया। अड़ने वास ब्रह्मा जी रो वरदान हो, 1 महीने में भगत जी रो मकान बन गयो, महीना भर में ब्रह्मा जी भगत जी रो विवाह भी हो गयो और मकान बनियो, भगत जी रो आलिशान मकान बनियो। लेकिन गर्मी रे टाइम में भगत जी मकान में विश्राम कर रिया, हाँ के तर तर करण जोर से बारिश शुरू हुई और बारिश ऐसी हुई कि भगत जी रो मकान में सारो डिस्टर्ब धुल गयो, साइनिंग खराब होगी। अड़ने भगत मन में होचन लागो रे कि तो बढ़िया मकान बनियो अपना बरसात री अगले बिगाड़ दियो। बरसात में तो गुस्सा आयो और ब्रह्मा जी ने बुलाया, हे ब्रह्मा जी, के ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट, बोलो भगत जी। जने भगत जी कहो कि बस प्रभु मने पहलो वरदान दे दो त्या बरसात बिल्कुल बंद हो जावे, दूजो बोले दूजो वरदान दे दो कि जद कदी बरसात हो भी जावे, कोई कारणवश बरसात हो भी जावे तो मारे मकान में धनी होनी चाहिए, और तीजो बोल तीजो वरदान दे दो कि जद चाहूं जद 3 वरदान और मांग लो। वाह ब्रह्मा जी महाराज सुधास्तु के प्राण चले गया। अबे वाह थोड़ी बरसात थोड़ी ज्यादा हुई तो भगत जी ने कहा खांसी जुकाम हो गयो। भाई भगत मन में ओ चियो रे कौन जावे डॉक्टर करने, कौन पया भांगे, कौन माता फोड़ी करे, आपण तो ब्रह्मा जी है नी, एक यो आशीर्वाद रो हाथ करियो नी के अड़ने आपा ठीक, डॉक्टर कने कौन जावे। अड़ने लोग कहो अरे गेला छोटा काम वास्ते ब्रह्मा जी ने परेशान क्यों करे, जा डॉक्टर कने 3 गोलियां दे 3 दिन में ठीक हो जाए, ब्रह्मा जी ने परेशान क्यों कर रही हो है, थारे जड़ा भगत बैण कई बैठा है, बैण पूरे सृष्टि रो देखना पड़े, थारे वास्ते कोई फ्री थोड़ी बैठा है, ब्रह्मा जी ने परेशान मत कर। बो क्यों यूं ही परेशान थोड़ी करा, हाँ 3 महीना तक भजन को नहीं करियो ऐसा नहीं बड़े पूरो। और ब्रह्मा जी ने बुलाया, हे ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट, बोलो भगत जी काई चाहिए थाने वरदान मांगो। जने वो भगत कहो कि बाप जी मने पहलो वरदान दे दो कि मारो खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जावे, दूजो बोले जड़ तक जियो जड़ तक मारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, और तीजो बोले तीजो बोई जद चाहूं जद 3 वरदान और मांग लूं। वो तीजो हमें ब्रह्मा जी ने तो नाक में दम कर दियो, नाक माते माखी भी बैठा तो आओ ब्रह्मा जी, हमें ब्रह्मा जी ने परेशान कर दिया, परेशान होड़ा ब्रह्मा जी गया भगवान नारायण कने और कहो प्रभु कलयुग रेड़ो चतुर चालाक भगत मिलियो है कि मैंने बिना पैसा नौकर बनाए दियो, चावे जल्दी बुलाए ले ब्रह्मा जी ऐसा करो, ब्रह्मा जी वैसा करो, ब्रह्मा जी यूं करो, मैं तो परेशान हो गयो। भगवान नारायण कहो कि अरे ब्रह्मा जी
कलयुग ने चतुर चालाक भक्ता रो भरोसो नहीं करनो, क्योंकि बे पिलपिलो अमृत भी चढ़ावे नहीं तो समझो खतरो है, बे सवा रुपयो भी चढ़ावे ना तो समझो सवा करोड़ मांगे बदला में पाछा। इन वास्ते थोड़ा वरदान देने से पहला परख लिया करो, देख लिया करो कि भगत सच्चो है कि कच्चो है। ब्रह्मा जी महाराज गयो तो आगे ध्यान राखो, पर पहला ऊन तो लारो छुड़ो। जण भगवान नारायण सरस्वती जी ने इशारो करियो, सरस्वती जी गई और भगत जी रे जीव माते जान बैठ गई। और आपने ठाए बोलानो करण तो सरस्वती रे हाथ में जोया करे। और अड़ने ब्रह्मा जी ने बुलाया भगत जी, कहो हे ब्रह्मा जी, कि ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट, बोलो भगत जी काई चाहिए थाने। भगत कहो कि बस प्रभु वरदान देनी चाहो तो मने पहलो वरदान दे दो कि मने इन संसार से विरक्ति हो जावे, दूजो बोले कृष्ण चरणों में मारी प्रीति हो जावे, और तीजो बोले इन संसार से मारी मुक्ति हो जावे। जन ब्रह्मा जी कह रहे थे तू मुक्ति ले चाहे भुक्ति, पर पहला तू मारो लारो छोड़। तो सज्जनो आ होया करे सकाम भक्ति, यानी भगवान से कुछ मांगियो जावे, भगवान से मांगने री भक्ति उन्हें कहा करे सकाम भक्ति। लेकिन भगवान के सामने आप सकाम भक्ति मत करो बल्कि निष्काम भक्ति करो। और ऋषियों दूसरो प्रश्न पूछियो आप कि मैं कई मंदिरों में जावा भगवान की पूजा करा, पर कोई भी देव लारे रह जावे तो मन में शंका रहे कि और सब देवी देवताओं ने पूजा तो कर ली, पण कोणा मैं भगवान बैठा आनी तो पूजा करी जी कोनी, तो एकठे नाराज नहीं हो जावे। तो देखो ऋषियों पूजा सबरी करो लेकिन निंदा कभी किसी की मत करो, वंदन सभी को करो लेकिन निंदा कभी किसी की मत करो, इष्ट आप रो एक राखो और हाथ सभी ने जोड़ो। जैसे मान लो आपरा इष्ट है राम जी और आपने कन्हैया रे मंदिर में जावन रो अवसर मिलियो, तो कहीं आप मंदिर में जा प्राण कन्हैया रे निंदा करो ला, क्या ठीक है कन्हैया है पर मारा राम जी जड़ा नहीं है। तो आप जिन कन्हैया रे निंदा कर रिया हो बा कन्हैया रे निंदा नहीं हो रही है, बा आप रे राम जी री निंदा हो रही है, क्योंकि राम और कृष्ण को अलग थोड़ा ही है, मैं तो एक ही तो है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है और उनके चपल विशेष। राम जी रे नेत्रों में गांभीर्यता है और कृष्ण रे नेत्रों में चपलता है चंचलता है, बाकी फर्क कोई नहीं है। यदि मुरली हटा दो, मोरपंख हटा दो, गाय हटा दो, और यदि भगवान श्री कृष्ण रे हाथ में धनुष बाण दे दो तो राम जी में कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं रह जावेला, भाई कृष्ण भगवान राम जी बन जावेला और भाई राम जी कृष्ण भगवान बन जावेला, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन वास्ते पूजा सबरी करो लेकिन निंदा कदे किनी मत करो। और तीसरो प्रश्न पूछियो कि शास्त्रों में भगवान रो नाम है अजन्मा, भगवान रो जन्म नहीं होवे, तो देखो ऋषियों भगवान रो कदी जन्म नहीं होया करे, भगवान रो तो अवतार होया करे। ऋषि लोग कहो कि जब भगवान रो अवतार होवे तो बचे अवतार भी कितना है भगवान ना, कोई कहवे 7 अवतार है, कोई कहवे 24 अवतार है, कोई कहवे हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के अवतारों कोई गिनती नहीं है। हाँ जरूर भगवान के अवतारों कोई गिनती नहीं है, लेकिन वैदिक भगवान का 24 अवतार है। जिमो भगवान रो पहलो अवतार है सनत कुमार रो, काले आप कथा सुनी नहीं, चार भाई जो सनत कुमार हा, सनत सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, ओ भगवान रो पहलो अवतार। दूसरो देव ऋषि नारद रो अवतार, दूसरो भारा भगवान रो अवतार, तीसरो देव ऋषि नारद रो अवतार, चौथो नर नारायण भगवान रो अवतार, पांचमो कपिल देव जी रो अवतार, छठमो यज्ञ नारायण भगवान रो अवतार, सातमो दत्तात्रेय जी रो अवतार, आठमो ऋषभदेव भगवान रो अवतार जो जैनियों में प्रथम तीर्थंकर मानिया गया है, और वैदिक 24 अवतारों में 8वां अवतार मानिया गया है। नमो पृथु अवतार, दसमो मत्स्य अवतार, 11वां कूर्म अवतार, 12वां धर्मंत्री अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम जी अवतार, 17वां वेदव्यास जी महाराज अवतार जिन्होंने भागवत रचना करी और 18 पुराण रचना करी,
और 17वां वेदव्यास जी महाराज रो अवतार, 18वां रामा अवतार, 19वां बलराम जी रो अवतार और 20वां मेरा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण भगवान रो अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कलयुग में वेला कल्कि अवतार। अधर्म रो नाश करने वास्ते और धर्म री पुनः संस्थापना करने वास्ते भगवान कल्कि रे रूप में आवेला। जद कलयुग बहुत बढ़ जावेला और जो कलयुग और जो युग चाल रही हो कलयुग है और आज तक तो कलयुग ने आया ने कोई 10 साल नहीं हुआ है, 7000 साल कुछ होया है, ज़्यादा साल नहीं हुआ है। आज तक तो कलयुग घणो पड़ियो है, आज तक तो कलयुग की छाया आई है, कलयुग हाल बच्चों है। जद घोर कलयुग आवेला, महाकलयुग जद आवेला, उन टाइम में कथा वगैरह सब बंद हो जावेला और पापी लोगार राज आ जावेला और बहुत जब पाप बढ़ जावेला उन टाइम भगवान कल्कि अवतार रूप में आवेला और अधर्म रो नाश कर देवेला और धर्म की पुनः संस्थापना कर देवेला। और जो वेदव्यास जी महाराज जो भागवत की रचना करी पाइण वास्ते तो करी कि तस्मात केनापि पायना मनः कृष्ण निमेशियेत, यानी किसी भी उपाय से व्यक्ति का मन श्री कृष्ण चरणों में अभिनिविष्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने ये कथा लिखी थी। और लिख प्राण को खुद्रकर जमा नहीं रखी बल्कि आपरे पुत्र सुखदेव जी ने दी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने सुनाई और परीक्षित जी 7 दिन के अंदर सुन प्राण मुक्ति प्राप्त कर ली। तो कहो मैं ऋषि मुनि के महाराज हमारा आप 10 मिनट पहला कहो कि सुखदेव जी जन्म लेता है सीधा वन की तरफ चले गया, तो मैं जन्म लेता है वन की तरफ चले गया तो पछ बयाने कद बुलाया पाछा घरे और कद बयाने भागवत रो अध्ययन करायो, आ कथा तो आप माने बताई नहीं। जने सूत जी कहो कि ऋषियों आप रो प्रश्न अति उत्तम है, लेकिन हुयो यूं कि जो वेदव्यास जी महाराज हाँ वे पाछा आपरे घरे आश्रम में पधारिया और मन में चिंतन मंथन करियो कि मैं 4 वेद बनाया, 6 शास्त्र बनाया, 17 पुराण बनाया और 18वो जो भागवत महापुराण है वो बनियो नहीं अब बनेला। तो कहे मैं 17 पुराण बनाया और इन सभी वेदों ने रचना करी लेकिन हाल तक मारे मन में शांति नहीं है, मैं शांति रे वास्ते काई करूँ। वेदव्यास जी महाराज और सब सोच रिया हाँ कि उन्हें जो टाइम बण आश्रम में नारद जी महाराज रो आगमन हुयो और नारद जी कहो अरे वेद व्यास जी काई सोच रिया हो। व्यास जी कहो कि अरे महाराज मारे मन में शांति नहीं है और लोगारे मन में भी शांति नहीं है तो मैं शांति रे वास्ते काई करूँ। जण नारद जी कहो कि अरे व्यास जी आप जो वेदों रे अंदर बहुत सारे ज्ञान की चर्चा करी होनी उनसु आप रे मन में शांति आवन वाली नहीं है, क्योंकि आप वेदों के अंदर शास्त्रों पुराणों के अंदर ज्ञान की चर्चा बहुत लिखी लेकिन हाल तक आप भगवान रे लीला रो बखान नहीं करिया हो और जड़ तक भगवान रे लीला रो बखान नहीं करोला जड़ तक आप रे मन में शांति नहीं आवेला। और मैं जो आप रे सामने संत नारद दिखू होनी ओ कोई यूज नहीं बनियो, मारे माते भी कोई संतारी कृपा हुई थी, संत कृपा करी जन मारे माते भगवान की कृपा हुई। इनी प्रकार आपरे माते भी संतारी कृपा तो हो ही गई है, अबे भगवान की कृपा भी हो जावेला। और नारद जी महाराज आपरे पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहो कि देखो व्यास जी मैं पूर्व जन्म में एक दासी रो बेटो हो और उन टाइम मारो नाम हो रामदास और मारी माँ एक ब्राह्मण देवता ने घरे काम करती और एक दिन ब्राह्मण देवता ब्याणे गाँव में कोई संत पधारियो रहा सत्संग रे वास्ते, तो ब्याणे सत्संग में गया ब्राह्मण देवता, ब्याणे बा सत्संग बढ़िया लागी जने महाराज ने कहो महाराज आगे जो चौमासो आ रियो है इन चौमासा ने आप मारे घरे चतुर्मास करो। संत भी बात मान ली और आ गया ब्राह्मण देवता रे घरे, रोज सत्संग करता, मैं भी बयान संता भी सत्संग सुनतो और मने भी बहुत अच्छी लागी सत्संग और मैं महाराज रे सेवा करतो
और जो महाराज जो भोजन प्रसादी करता और भोजन प्रसादी रे बाद में जो लारे प्रसाद बचतो वो प्रसाद मैं ग्रहण करतो और वो संता रे प्रसाद से धीरे धीरे मारी बुद्धि अच्छी होने लग गई। देखो सज्जनों, आपने घर में जो वो भोजन बने नहीं उन भोजन ने आजकल लोग कहीं कहवे खानो खाई लो, लेकिन खानो शब्द वो तो अपन थोड़े ही है, अपन पुराना कड़ा शब्द है। प्रसाद पाई लो अरुगो सा जीमो सा, या यू कह दो कि भाई भगवान का प्रसाद बन गयो है, भगवान का प्रसाद ले लो। लेकिन लोग यू नहीं कह, लोग कहेंगे खानो खाई लो, लेकिन खानो खाई लो नहीं। और सुबह सुबह आप जो जीमिया करें नहीं उन्हें आप पहला कहीं कहता बाल भोग। आजकल लोग उठाए कोई नहीं बाल भोग बड़े कि नहीं चिड़िया रुना में, लेकिन बाल भोग लोग उठा नहीं, एक बाल भोग कहीं वे। लेकिन बाल भोग बहुत सुंदर शब्द है और उन्हें बाद में क्या मन लगा कली वो। और आपने तो भजना में शब्द आता कि मारो मदन मोहन घनश्याम कलेब करता ही मुड़के, उन टाइम यूं थोड़ी कि मारो मदन मोहन घनश्याम नाश तो करता ही मुड़के। कले वो बाल भोग कितना बढ़िया शब्द है, लेकिन पचान तो छोड़ दिया न पच क्या लगा नाश तो। अरे नाश तो जीवन रो नाश करे है ना, आजकल तो नाश तो ही छोड़ दियो। आजकल तो इंग्लिश में बड़े की और ही क्या, आजकल के ब्रेकफास्ट वो ब्रेकफास्ट बड़ा नहीं हुआ ये मैं खावी फास्ट मतलब जावी फास्ट। इन वास्ते जो ऐ जो आजकल ना लोग जो शब्द प्रयोग करें नहीं ब्रेकफास्ट खानो खाए लो नाश तो ऐ अपना शब्द नहीं, अपना शब्द हाँ प्रसाद पाई लो अरोगो सा। एक गाई हो एक सूरदास जिया, सूरदास जी कटे पंगत में जिमण वास्ते किया परा बैठा पंगत में और अड़ने हगड़ा में हगड़ा रखने लड्डू पेड़ा तम तम गुलाब रसगुल्ला खीर मालपुआ सब पूरिया और पूरने रे बाद में जोरू कहो अरोगो सा। जी कहो अरोगो सा के हगड़े लोग तो जी मन लाग अपन सूरदास जी बैठा ही है। सूरदास जी बैठा बैठा होचे लड्डू आएगा पेड़ा आएगा चम चम गुलाब रसगुल्ला खीर मालपुआ आएगा, लेकिन अरोगो तो हाल आयो ही को नहीं। इताग में एक आदमी आयो और क्यों अरे सूरदास जी अरोगो, सूरदास जी को कह रहे बड़े का यहाँ थाली पूरे की नहीं जाने वो आदमी मन में हो चो सूरदास जी अरोगो उनको चीज हमज ली दिखे। वो आदमी गयो रसोई में और बढ़िया गोल गठ मकराना भाटो उन्हें चाशनी में डुबा लिया यो और क्यों लो सूरदास जी अरोगो। सूरदास जी हाथ फेरियो क्यों हाँ हमें अरोगो आज है। सूरदास जी लिया मुंडा में जोर करियो तो दो चार दांत टूट गया पर अरुगो नहीं टूटियो, भले जोर करियो तो ही नहीं टूटियो। सूरदास जी का अड़गड़ अरुगो है टूटे को नहीं। सूरदास जी ने आयो गुस्सा उन्हें जोर यू फेंकियो, जो ही फेंकियो वो कि नहीं मत मत जान लगो जो वो आदमी कह लगो अरे फूट गो फूट गो फूट गो। सूरदास जी के पास चलिया मारू फूटियो कौन है थारू फूट गो तो पास लिया। वो आदमी क्यों अरे माँ तो फूट गो। सूरदास जी को धाका कहीं करे जहाँ पर हॉस्पिटल पट्टी बढ़ा ले। तो इन प्रकार जो अपना जो शब्द है बेशब्द अरोगो सा जीमो सा प्रसाद पाए लो